शॉट, लेकिन उसी बीच में बार्सा बॉय को नॉकआउट करा गया माफिया के द्वारा। माफिया अपनी टीम के बैकबोन है और जितनी देर तक प्लेयर सर्वाइव करेगा उतनी देर तक हमें दिक्कतें पड़ेगी, लेकिन इसी बीच आप दिक्कतें टोटल गेमिंग अब यहाँ पर रश कर चुके हैं। चैटर शूटर के ऊपर बहुत ज्यादा बेटर कैसे यहाँ पे रश आ चुका है, लेकिन जो रश है यहाँ पे इसको फेल भी करा जा सकता है अगर यहाँ पे सूट बूझ का हमें गेम प्ले देखने को मिला। लेकिन यहाँ पे फाइट बैक करेंगे चैटर शूटर के प्लेयर्स, इतने आसानी से हार नहीं पाने वाले। क्लू वॉल के कंपटीशन को पता है ट्रैको यहाँ पे आ चुका है, ट्रैको को जो नेट है बहुत ज्यादा दिक्कत में डालते हैं, नीचे आने के प्लेस बहुत ज्यादा लो बचे हुए। यहाँ पे 2v4 का सिनेरियो बना हुआ है, एक प्लेयर और डाउन हो चुके, क्या यहाँ पे शैडो शूटर एलिमिनेट हो पाएंगे। टोटल गेम बहुत ज्यादा एग्रेसिव प्ले दिखा रहे, बदला लेना चाहते पिछले मैच का, पिछले मैच है बहुत ज्यादा दिक्कत में डाल दिया गया था, बहुत खत्म बहुत ज्यादा यहाँ पे दिक्कतें बढ़ती जाएगी शैडो शूटर के लिए। एंड शैडो शूटर इस जलवा है हमारा बहुत ज्यादा कमाल का गेम प्ले है। यहाँ पे देखा जाता हूँ फ्लैग को काट दिया गया, छट्टा काट दिया गया, बताया कि भाई आप टकराओगे तो आपको हार का सब दिखाएंगे। और यहाँ पे रिमोट को रुकने का नाम नहीं लेके फिलहाल अभी बात करें टोटल गेमिंग की, यहाँ से क्या नेक्स्ट स्टेप होगा, किस तरफ ये जाएंगे, क्योंकि किल इनके पास आ चुके हैं। टॉप टीम में वो एंड कर ही रहे थे, आज वैसा कुछ नहीं दिखा। द माफियाज का अगर बात किया जाए वो पहुंच चुके थे हेक्स के साथ फाइट लेने के लिए, एंड क्लोज रेंज में बहुत खास एक फाइट किया गया, डिलीट द लास्ट प्ले, एंड टीम हेक्स स्पोर्ट्स उनके पास है बहुत सारा एडवांटेज, एंड हेक्स स्पोर्ट्स तीन तीन प्लेयर मिलके आर्डन टीम की डिलीट इधर से क्लच निकाल पाएंगे। निकाल चुके हो सकते हैं दूसरा राउंड निकाल चुके हो सकते हैं। ओह माय मैंने बोला कि शायद नहीं होगा, बट उसी टाइम पे 1v4 करके गए। टोटल गेमिंग एक यहाँ पर फैन फेवरेट फाइट यहाँ पे देखने को मिलेगी, एंड बात करेंगे पैनिक्स के बारे में, रिपोर्ट लेके आगे गए एक प्लेयर को यहाँ पे दारा शेख किया, 12 को यहाँ पे दारा शेख करके आई थिंक यहाँ पे बिल्कुल उनका किल कर पक करके एक किल यहाँ पे खाते में जोड़ लेंगे। गैलेक्सी रेसेस का यहाँ पे खाता खुल जाएगा, बट देखेंगे बाकी सारे प्लेयर को क्या डोमिनेट कर पाएंगे यहाँ पर, बिकॉज टोटल गेमिंग की जो स्ट्रेटेजी इस बार बेस्ट चल रही है, कोशिश कीजिए सोचिएगा, मिनी मैप में एक बार नजर डालिएगा, पूरे के पूरे स्प्रेड आउट होके जैसे शिकारी शिकंजा कसता है वैसे गैलेक्सी रेसर को कसने की कोशिश कर रहे हैं। बट अगर उनका फ्लैंक यहाँ पे सक्सेसफुल होता है तो गैलेक्सी रेसर के प्लेयर बैक टू बैक धाराशाही होते हुए नजर आएंगे। फिलहाल देखते हैं यहाँ पे जिया वासु को यहाँ पे नॉक करके बिल्कुल नॉक करने की कोशिश, यहाँ कामयाबी भी मिल चुकी है, देखेंगे उनको रिवाइव देने का मौका मिलता है यहाँ पे बैरिक्स बॉडी के साथ मचा तो जरूर रहेंगे, बट जिस जो रोल वो प्ले करते हैं स्नाइपर के साथ क्या बचा पाएंगे यहाँ पर, फिलहाल वासु को रिवाइव देने का कोई भी मौका नहीं। 10 बार टोटल गेमिंग इस फाइट को बैलेंस कर लेगी, क्या लगता है संजीव इस बार गैलेक्सी रेसर्स वर्सेस टोटल गेमिंग कौन उन्हें किसको डोमिनेट करेगी? बिल्कुल देखना पड़ेगा, फिलहाल डैमेज अब दिया जाएगा हमने, एक शानदार डैमेज देखे 100+ का डैमेज अब दिया जाएगा इसी के साथ साथ हैंड कैनन क्या नाम भी है मैगांश को बहुत ज्यादा लोकर करके कर जाएगा इसी के साथ साथ एक और नॉक। जी हां गाइस एक बहुत ही शानदार गेम प्ले गैलेक्सी रेसर्स बिल्कुल अपने मचाते हुए अपने नजर आने वाले, तो गाइस हैशटैग GXL इन द कमेंट सेक्शन बिल्कुल लगाते रहेंगे। फिलहाल देखना पड़ेगा मैरी से पर क्या किल कंफर्म कर पाएंगे, क्या फौजी जाए पर करारा जवाब दे पाएंगे, फिनिश शॉट यहां पर कर देंगे, और साथ साथ अमन को बहुत ज्यादा डैमेज यहां पर देकर रखा जाए, क्या यहां पर कवर पाए मिलता है, फिलहाल अमन यहां पर रोक हो जाएगा, साथ साथ रश यहां पर भी लिया जाएगा सामने वाले डिलीट यहां पर क्या फिनिश कर पाएंगे, डिलीट के बहुत ही शानदार गेम प्ले जी हां गाइस, एंड मैरी से पर क्या कमांड को संभाल पाएंगे, MP40 उनके पास है नहीं क्या वो ट्राई कर पाएंगे, क्या रिवाइव मिल पाएगा, इसी के साथ साथ फिनिश अप करेंगे डिलीट यहां पर बहुत ही दिक्कत है जी हां गाइस, सबसे टोटल गेमिंग जी बिल्कुल इनके पास एक मेडिकेट अगर लगाता है तो शायद यहाँ पे कमाल का फायर प्लेयर यहाँ पे ढूंढने वाला है, बिल्कुल कोई भी प्लेयर किसी को भी छोड़ेगा नहीं। जिया का जान बात करना चाहूंगा टीम नंबर 5 यानी कि हमारी स्टार गेमर्स की, तो सेलिब्रेट किया जा रहा है जिया का टोटल गेमिंग के नंबर जी प्लान के इस्तेमाल करने के साथ साथ लगातार आगे आ चुके, तो जिया का फाइनली एंट्री हो जाएगी टोटल गेमिंग पर स्टार गेमर, कौन किसको करेगा एलिमिनेट वो हमें बहुत ही जल्दी यहाँ पर नजर आने वाले, क्या लगता है क्या होगा, क्या स्टार गेमर से एक और बार एलिमिनेट कर पाएगी यहाँ पे टोटल गेमिंग, इस बार जो पहला नॉक यहाँ पर निकाला जाएगा और साथ ही साथ नॉक यहाँ पर किल में कंफर्म कर पाएंगे टोटल गेमिंग, इस बार कोई भी मौका नहीं देना चाहिए डिलीट, एक के बाद एक शॉट लगाते हो जिया का स्टार गेमर काफी ज्यादा प्रॉब्लम में क्रिएट हो जाएगा, फाइनली एलिमिनेशन यहाँ पर किया जाएगा, डिलीट ने बता दिया कि हमारा एरिया है। देखिए ओ माय गॉड अभय ने यहाँ पे नॉक जी गाइस, अभय ने यहाँ पे नॉक माफिया को देखकर रिमोट लगा दिया है, और ये तो भाई बिल्कुल रास नहीं आएगा, ये बिल्कुल रास नहीं आएगा, 20,000 ऑफ सपोर्टर्स ऑफ टोटल गेमिंग जो यू आर वॉचिंग राइट नाउ, ये थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। एक बार फिर से टोटल गेमिंग और एनिग्मा एक साथ लैंड कर रहे हैं, क्लैश लैंडिंग नहीं घूम गए, एनिग्मा
जी नहीं, एक ही जगह गए हैं। टोटल गेमिंग और एनिग्मा एक साथ एक बार फिर से एक तो वैसे ही हीटेड डिस्कशन चल रही है, और इस बार के आर गोत्रू को पहले ही फौजी अजय ने एलिमिनेट कर दिया। बाला यहां पे बड़े गुस्से में दिख रही है टोटल गेमिंग, खिलाड़ी भी गुस्से में, समर्थक भी मुझे दिख रहे गुस्से में, तो मैं तो कुछ बोलूंगा ही नहीं इस मैटर में। बट गाइज यहां पे दिख ही रहा है कि साफ साफ यहां पे दिस इज पर्सनल, थोड़ा गुस्से में खेल रहे हैं। मैंने बड़े दिन बाद टोटल गेमिंग को गुस्से में खेलते हुए देखा है, डरावना मंजर। तो वे सामने से आते हुए टीजी बाला, प्रोमित और बाला आमने सामने, गुस्से में बाला, ये देखिए, और यहां पे कुछ देखना चाहता हूं। ओह माय गॉड ये देखिए, ये तो पूरा पर्सनल है भाई, नो कमेंट।